नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद और एडवोकेट, और ये वीडियो सीसी कैटेगरीज के बच्चों के लिए है। जो आप पहले देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, तो एक भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे संविधान पार्लियामेंट में कैसे प्रोसीडिंग होती है, कैसे लॉ बनता है, वो सब चीज़ों को लेकर के एक छोटा कोर्स होता है, वो यहाँ पे होता है विट्ठल भाई पटेल हाउस में। तो एक्चुअली सीसीए का जो मैटर्स था, हमने लास्ट टाइम हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में डाला था। तो दिल्ली हाईकोर्ट में अभी चल रहा है मैटर, उसमें अप्रैल की हियरिंग है, शायद 15 अप्रैल के आसपास की हियरिंग है। तो हाईकोर्ट में एक्चुअली हमने जब आर्गूमेंट शुरू की थी, क्योंकि आपको मैंने कई बार बता भी चुका हूँ कि ये पिटीशन और वो पिटीशन में बहुत फ़र्क था सरकमस्टेंसेस का, प्रेयर्स का। तो वो पिटीशन उस समय फ़ाइल हुई थी जब सरकमस्टेंसेस अलग थे, जब वैकेंट सीटें जो है खाली नहीं थी, जब एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अभी मोर देन बहुत सारे जोन्स के सीसी कैटेगरीज की कट ऑफ जो है वो लिस्ट आ रही है, कुछ में बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं, कितने नंबर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कितने लिस्ट हैं बच्चों की सिलेक्शंस की, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो इन सीटों को कैसे भरा जाएगा। तो उसके लिए जो हमने रिलीफ निकाला था, एक तरीका निकाला था रेलवे के आप ही लोगों बच्चों के द्वारा, वो ये था कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था रेलवे का और उसमें जिसके पास, जिन्होंने ट्रेनिंग 2018 से पहले ले लिखी थी या फिर 18 के बाद भी ली थी, ये पिटीशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 18 के पहले के हैं कि बाद के हैं, इसमें ऑल इंक्लूड है। क्योंकि ऐसा हमने कहीं भी रनिंग सनिंग कोई सब्जेक्ट कोई टर्म्स ऐसा यूज़ नहीं किया है पूरी पिटीशन में। हमने सिर्फ प्रेयर्स में जो मैं मांग करी है वो ये करी है, एक एप्लीकेशन इंजंक्शन की लगाई है। उस एप्लीकेशन में ये लगाया कि जो सीट्स हमारी सीसी कैटेगरी की थी और वो जो अभी वैकेंट्स बच रही है, तो उसको अगर गवर्नमेंट जो है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यूनियन ऑफ इंडिया RRB कन्वर्ट कर रही है अगर उसको जनरल कैटेगरी में, जो कि मेरे तक अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा सॉलिड नहीं मिला है, तो मुझे इसलिए नहीं मिला तो मैं उसको नहीं लगा पाया। लेकिन एप्रिहेंशन बच्चों का जेन्युइन है कि माइट बी दे कैन कन्वर्ट द सीट इनटू अ जनरल कैटेगरी सीट। तो इसको कन्वर्ट को रोकने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है इंटरिम के लिए, तो वो एप्लीकेशन रुकी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने उस दिन मैटर को फाइल किया और उसी दिन जाके कोर्ट में हमने ट्रिब्यूनल में मेंशन कर दिया मैटर को, और मैटर लिस्टेड हो गया था 13 को, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ तो 15 के लिए फाइनल लगा हुआ है। तो जहाँ पे एक एक महीने का टाइम लगता है, मैंने अपना पर्सनल एफर्ट लगा करके इतना मैंने फास्ट करवाया है। तो अब चीज़ ये है कि जो सीट्स हैं उनका कैसे क्या होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी आर्गूमेंट्स ये है, मैं अभी कोर्ट की नहीं बताऊँगा, अपने लेवल पर बताऊँगा, कोर्ट की आर्गूमेंट्स तो बाद में बात करेंगे। वो ये है कि देखो, जो बच्चों ने सीसी कैटेगरीज के फॉर्म भरे हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं RRBs के, और अब जो है सरकमस्टेंसेस चेंज ये हैं, क्योंकि सीटें जो है अभी जो हमें रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो मतलब जो इसमें भी 50% सीट जो है स्टूडेंट्स अभी ही हट गए हैं, मतलब वो बच गई सीट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुँचे हैं, इट मीन्स वो सीटें तो खाली हो गई। तो DV तक जो पहुँचे वो 30% बचे जो हैं, तो उनमें से भी अभी फाइनल नहीं है कि 100% सिलेक्शन सभी का है, 80% मान ले सिलेक्शन करते हैं तो 20% सीट स्टिल रिमेन, मतलब रिजर्व बचेगी जो है, वैकेंट्स बचेगी। तो यही सब मिला करके, और दूसरा था 17,981 सीट्स जो थी उस समय जब 20,734 सीट की वैकेंसीज आई थी, 17,981 भर गई थी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम ये मानते हैं कि 17,981 एप्लीकेशन फॉर्म भर गए और हर एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता है उससे, तब भी 17,981 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे और 2,753 बच्चे की सीट अभी भी खाली है, जो कि ऐसा किसी परिस्थितियों में नहीं हो सकता कि 17,981 सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो वहाँ से भी वैकेंट बचेगी और इधर से भी वैकेंट बच रही है। तो इन सीटों के लिए करने के लिए कन्वर्ट ये प्रोसेस है, जो सिंपल एंड सर्टिफाइड प्रोसेस है, कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दिया है, एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है, सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा प्रेजुडाइज नहीं होगा, हैरेसमेंट नहीं होगा, एफर्ट्स नहीं लेना पड़ेगा यूनियन ऑफ इंडिया को कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम कराना है या फिर दोबारा से कुछ करना है, कोई मेहनत लगेगी या पैसा लगेगा। सिर्फ सिंपली शॉर्ट में आपको सर्टिफिकेट की कंसिडरेशन के लिए डाल देना, बिकॉज वैकेंसीज आर देयर, सीट्स खाली हैं, तो सीट्स खाली हैं तो उनको दोबारा से एग्ज़ाम होगा, कई सालों में होगा, जब यही वाला 4 साल में हो गया तो वो कितने सालों बाद होगा।
तो उन सब एग्ज़ाम्स को फटाफट करने के लिए अपॉइंटमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और क्योंकि फॉर्म हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, तो इन्हीं बच्चों का सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी कर दो, और इन्हीं बच्चों को उस सर्टिफिकेट के मेरिट पे अगर आ रहे हैं तो इन्हीं को जो वैकेंट सीटें बच रही है उनमें इनको फिट कर लो। ये है सिंपल सॉर्ट तरीका जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत सॉलिड आर्गूमेंट्स है, बहुत सॉलिड केस है, फैक्ट सर्कमस्टेंसेस तो इतने मजबूत हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बार बार पूछते थे सर रनिंग का हमने इसमें बैच में किया, हमने 2020 में एडमिशन लिया, 19 में लिया है, तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रेयर्स में ये लिखी है, सीधा सीधी मैं बताया, टू डायरेक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया द आरबी टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट दैट इज़ ऑफ 17th of August 2022, क्योंकि 17 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दिन को आप जो 12 अप्रैल 2019 का कट ऑफ डेट था, जो टेक्निकल बेस था, उसके ऊपर कोई नहीं हुआ, उसी कट ऑफ की वजह से आज बच्चे एप्लीकेशन तक नहीं भर पाए और सीट्स वैकेंट, फॉर्म नहीं कंप्लीट हुए हैं, पूरे फॉर्म नंबर ऑफ सीट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं। 20,734 के हिसाब से कम 200,000 CCA कैटेगरीज में फॉर्म भरने चाहिए थे, अगर 1:10 में लेते हैं सिलेक्शन में तो, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 17,981 सीट्स जो हैं, मतलब सॉरी फॉर्म एप्लीकेशन भरे गए थे। तो इतना मतलब ग्रेट लेवल पे एक दिख रहा है कि सीटें खाली है, तो इन सीटों को आराम से इजीली भरा जाएगा और इसी माध्यम में भरा जाएगा। और ये सारी आर्गुमेंट्स हम लोग हाई कोर्ट में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस समय का जो ओए था नीचे से ट्रिब्यूनल से, वो अलग मैटर बन के आ रहा था, और उस मैटर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, रेस्ट्रिक्टेड थे सरकमस्टेंसेस की वजह से। लेकिन अब सब चीज़ चेंज हो गई है, अब हम लोग फेवर में हैं, मतलब फैक्ट्स फेवर में, सर्कमस्टेंसेस फेवर में है, अब हम लोग उसको जीतने वाले हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, और बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए भी, मुझे भी गर्व होता है कि मैंने बिना कोई अच्छी फीस डिमांड किए, बहुत नॉमिनल सिर्फ डॉक्यूमेंट का चार्ज लेकर के मैंने इसको किया है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको जीतेंगे और इसको प्रूफ करेंगे आप लोगों की। बहुत बच्चे, सभी बच्चे मोस्टली वही होते हैं जो मिडिल क्लास से भी नीचे से भी होते हैं RRBs में, सब बच्चों को देखा जाएगा, इंटरेस्ट चेक कर सबका किया जाएगा, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। तो 15 तारीख को आप लोगों की हेयरिंग है, और सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ।